वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर टैली ट्यूटोरियल में हम एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखने वाले हैं एक कंपनी में एक्चुअल वर्किंग कैसे होती है और इसी के ऊपर हम MIS रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारे कंटेंट्स को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं MIS रिपोर्टिंग के अंदर, उसके अंदर पहली चीज़ हम देखेंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे ग्रुप वाइज लेज़र रिपोर्ट चेक करना, वाउचर क्रिएशन करके उसको चेक करना, या उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना है वाउचर क्रिएशन के टाइम पर तो हम उसे कैसे ऑल्टरेशन कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली कैश बैंक बुक को चेक करना, अगर हमारी डेली रूटीन की जो एंट्री हैं डे बुक के जरिए उनको चेक करना, नॉर्मली जो हमारी परचेजेस सेल्स एंड रिटर्न्स होती हैं उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर हम सीखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। साथ ही साथ हम देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के भी बारे में, जिसमें हम बैलेंस शीट चेक करना, मॉडिफिकेशन करना, P&L को देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स को चेक करना एंड ट्रायल बैलेंस को देखना, ये सब चीज़ हम देखेंगे अपनी MIS रिपोर्टिंग के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर। उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी को चेक करना या किसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम्स के बारे में उसकी पूरी डिटेल्स को चेक करना, अगर आप गोडाउन वाइज मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को तो उसकी समरी को चेक करना, नॉर्मली जो हम ऑर्डर्स पे अपना माल मंगवाते या ऑर्डर पर बेचते हैं उसको कैसे मेंटेन करते हैं या ये री ऑर्डर को हम कैसे मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर वो हम देखेंगे। साथ ही साथ मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट, बैच वाइज रिपोर्ट और एज वाइज रिपोर्ट्स भी हम इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम MIS रिपोर्टिंग टैली के अंदर देखने वाले हैं, जो कि हमारी अपकमिंग वीडियो सीरीज़ होगी MIS के ऊपर टैली ट्यूटोरियल के अंदर। नेक्स्ट हम उसके अंदर और भी चीज़ें सीखने वाले हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स के बारे में, जिसमें आप अगर अलग अलग कंपनी का डाटा एक ही ग्रुप में मर्ज करके देखना चाहते हैं, जैसे एक ही फर्म की तीन अलग अलग फर्म है और सारा लेन देन का अकाउंट्स एक ही फर्म से होता है, तो उन सबको ग्रुप कंपनी में कन्वर्ट करके आप उसकी रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे, सारे रिसीवेबल एंड पेबल रिपोर्ट्स कैसे मेंटेन करेंगे, अगर आपको सेंटर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं तो वो कैसे चेक करेंगे या उसे कैसे क्रिएट करेंगे, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के रिपोर्ट्स को हम कैसे देखेंगे, रेशियो एनालिसिस रिपोर्ट्स और जो भी हमारी एक्सेप्शनल आती हैं, चाहे वो नेगेटिव बैलेंस हो या नेगेटिव स्टॉक्स, किसी भी तरीके की नेगेटिव रिपोर्ट्स हमारी एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स के अंदर चेक होंगी, वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अंदर। फाइनली जो हमारी होगी वो होगी प्रिंट रिपोर्ट्स, जिसमें हम प्रिंट के अंदर सेटिंग चेंज करना, जो जो चीज़ हमें चाहिए या कोई चीज़ हम नहीं चाहते उन सब की कन्फिग्रेशन सेटिंग्स हम प्रिंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर देखेंगे। तो ये सब चीज़ें थी हमारी MIS रिपोर्टिंग के अंदर, जो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड आने वाले वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको इनसे आने वाली अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहें। इसके ऊपर हम बिल्कुल बेस से बिल्कुल डीप तक जाएंगे, क्योंकि टैली ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने टैली से रिलेटेड सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल से देख सकते हैं, क्योंकि MIS रिपोर्टिंग करने के लिए आपको नॉर्मली बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए और वो बेसिक चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप तो हम सीखने में बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ डीप ये सारी रिपोर्ट्स जो हमने अभी देखी अकाउंट्स से रिलेटेड, अपनी इन्वेंट्री से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सभी हम MIS रिपोर्ट में देखने वाले हैं। तो आने वाले पार्ट्स में हम पहले अकाउंट्स रिपोर्ट्स के अंदर से जो भी कंटेंट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।